हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कच्ची मूंगफली को रोस्ट कैसे करें। ये मैंने थोड़ी सी कच्ची मूंगफली ले ली है जो बाज़ार से हमें मिलती है, और ये मैंने इसको अब रोस्ट कैसे करना है वो हम देखते हैं। ये देखें, मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, उसमें मैंने कुछ नहीं डालना बिल्कुल भी, ना कोई ऑयल ना कोई कुछ और। तो उसमें मैंने ये जो मूंगफली है कच्ची, इसको डाल देना है। इसको डाल के मैंने इसको हलाते हुए ऐसे 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाते रहना है। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ी कड़कड़ की आवाज़ इसमें से आना शुरू हो गई है, मतलब ये रोस्ट होना शुरू हो गई है। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा पानी डाल देना, 2 चम्मच, ताकि इसका छिलका जो है आसानी से निकल सके। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने और थोड़ी 5 मिनट तक इसको चलाते हुए हलाते हुए पका लेना है। फ्रेंड्स, जब भी हमने मूंगफली को रोस्ट करना है तो हमने मूंगफली उतनी ही लेनी है जितनी पैन में इजिली आ सके पूरी। जैसे ये प्रॉपरली सारी मूंगफली नीचे ऐसे इसके पैन को टच हो रही है, उससे ये अच्छे से रोस्ट होएगी। ये देखें, अब ये मूंगफली हमारी जो है रोस्ट हो गई है। ये देखें, छिलके अलग होना शुरू हो गए अपने आप। तो अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखें, अब मैंने सारी मूंगफली को इधर प्लेट में निकाल लिया। इसको हम 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका हम छिलका उतारेंगे। ये देखें, अब मैंने इसको 5 मिनट तक ठंडा कर लिया, अब इसका हम छिलका उतारेंगे। ये देखें, ऐसे बड़े इजीली छिलका अब उतर रहा है इसका। ये देखें, ये हमने इसको ऐसे हाथों में ऐसे 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 कर लेना है और आराम से छिलका उतर जाना है। ये देखें, सारी मूंगफली को ऐसे हमने करते हुए इसका छिलका उतार लेना है ऐसे। अब मैंने मूंगफली के सारे छिलके उतार लिए। ये देखें कितनी अच्छी रोस्ट हो गई है, आराम से इसके छिलके निकल गए और बड़ी अच्छी रोस्टेड मूंगफली बन के तैयार हो गई है। ये देखें, आप इसको ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।